आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर 35वीं वाहिनी सीमा सशस्त्र बल दुमका के द्वितीय कमान अधिकारी सतीश कुमार के निर्देश पर दुमका जिले की डी कंपनी नारगंज के कार्यक्षेत्र आमगाछ सरुआ पानी कूल काट लकड़ा फैला अम्बा जोड़ा समेत कई गांवों में एसएसबी के सहायक कमांडेंट मनोहर सिंह के नेतृत्व में रैली के साथ साथ अंगुष्ठी कार्यक्रम किया गया। इस दौरान एसएसबी की ओर से घर घर में तिरंगा अभियान के तहत गांव भ्रमण कर लोगों को घर में तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया गया। ये कार्यक्रम 25 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा। इस मौके पर सहायक कमांडेंट मनोहर सिंह ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये वर्ष देशवासियों के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। एक एक घर में तिरंगा लहराकर देश की आजादी के जश्न के साथ साथ एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय जनता के मन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम आदर निष्ठा की भावना जनमानस में हो सके, चाहे एसएसबी अद्वितीय व विशेष स्थान रखने का कार्य कर रहा है। कार्य क्षेत्र में एसएसबी गैर सरकारी संगठन शिक्षा संस्थान के साथ साथ आम नागरिकों को भी राष्ट्रीय ध्वज को सभी दिनों और विशेष अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शित करने की जानकारी आम लोगों के बीच दे रहा है। जागरूकता रैली में एसएसबी के एसआई हरिशरण, एएसआई रजनी शर्मा, गुरुशरण प्रवीण कुमार, संजीव कुमार गुप्ता, काठीकुंड थाना के एएसआई राम प्रसाद एवं एसएसबी के जवानों के साथ साथ गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर नारेबाजी की। काठीकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।